दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा सेशन है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन है और तकरीबन हर एक इस एक्सपीरियंस से जो है वो एक या एक से ज़ायद मरतबा ज़रूर गुजरता है। तो आपने सही जाना, इस सेशन में हम इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे और तफसील से जानेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सेशन है कि ये इसलिए ज़रूरी है कि अमूमन ये देखा गया है कि खुसूसन स्टूडेंट्स जो होते हैं या जो जॉब की तलाश में होते हैं वो इस फेज़ में आके या इंटरव्यू के फेज़ में आके वो एक किस्म का ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। कई ज़्यादा बुक्स भी पढ़ते हैं, अपने आप को ओवर ड्यू कर लेते हैं, ओवर बर्डन कर लेते हैं और इस वजह से वो जो इंटरव्यू है उसको ठीक से समझ नहीं पाते और इसी तरह से उसकी प्रिपरेशन भी नहीं कर पाते। तो इस सेशन में हम तफसील से जानेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको जो है वो कंसाइस और टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन दें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो सबसे पहले इस सेशन के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इस सेशन में हम जानेंगे इंटरव्यू, उसका एक जनरल ओवरव्यू लेंगे कि इंटरव्यू है क्या, उसकी क्या अहमियत है, साथ में टाइप्स ऑफ इंटरव्यू यानी कितनी टाइप्स होती हैं इंटरव्यूज के, और इसी तरह से स्टेजेस ऑफ इंटरव्यू यानी इंटरव्यू के दौरान कितनी स्टेजेस होती हैं, और लास्ट में हम इंटरव्यू टिप्स जो हैं उनके बारे में भी जानेंगे जो आपके लिए बड़े ही अहम हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो इंटरव्यू जो है बुनियादी तौर पे ये आपकी पूरी जो पर्सनैलिटी है, जो यानी शख्सियत है आपकी, उसका आकाश होता है, यानी आपकी पूरी शख्सियत को देखा जाता है इंटरव्यू के दौरान कि आपकी कंडक्ट कैसी है, आपके स्किल्स कैसे हैं, आपका तालीमी बैकग्राउंड कैसा है जिसे हम एकेडमिक बैकग्राउंड कहते हैं, फिर आपके पास नॉलेज लेवल कितनी है, और सबसे अहम जो होता है वो ये देखा जाता है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स यानी बातचीत करने के जो आपकी महारतें हैं वो कैसी हैं। तो इंटरव्यू जो है बेसिकली रेफर करता है यानी वन ऑन वन कन्वर्जेशन, यानी जिसे हम कहते हैं दूबदू बातचीत। आप आमतौर पे जो इंटरव्यूअर होते हैं उनसे आप सामने बैठ के बात कर रहे होते हैं, तो वो इंटरव्यूअर में एक बंदा भी हो सकता है और वो पैनल भी हो सकता है। तो इसीलिए जो इंटरव्यू है उसमें दो सेगमेंट्स लाजमी होते हैं, एक है इंटरव्यूअर यानी आपका इंटरव्यू लेने वाला या लेने वाले, और दूसरा होता है इंटरव्यूई यानी इंटरव्यू देने वाला या जो आप जब आप इंटरव्यू देते हैं। तो इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं, आपने उनके जवाब देने होते हैं, रेस्पॉन्ड करना होता है। आमतौर पे ये जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जिसे हम फेस टू फेस या दू बदू बातचीत कहते हैं, ये दौरे जदीद में अब इसके जो है वो कुछ मोड्स जो है वो चेंज भी हो चुके हैं। आजकल के ज़माने में टेक्नोलॉजी है तो फोन पे भी समटाइम्स इंटरव्यूज होते हैं और इसी तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होती है। मुख्तलिफ किस्म के जो है वो सॉफ्टवेयर्स हैं या एप्स हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है, जिस तरह से स्काइप है, जूम है, तो इस पे भी इंटरव्यूज लिए जाते हैं जिन्हें विजुअल इंटरव्यूज कहा जाता है। लेकिन आमतौर पे जो इंटरव्यूज होते हैं खुसूसन जो जॉब रिलेटेड इंटरव्यूज होते हैं, तो उन इंटरव्यूज में आप फिजिकल अपियर होते हैं यानी फेस टू फेस जो है वो बातचीत होती है या कम्युनिकेशन होती है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि इंटरव्यू जो है वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी का एज अ होल जो है वो ओवरव्यू है। सिर्फ ये नहीं है कि इंटरव्यू में आपसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो आप समझते हैं कि जैसे आपको रिटन टेस्ट में जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं वो होता है, तो इसलिए स्टूडेंट्स जो है वो परेशान होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो एक सेगमेंट ज़रूर होता है, हिस्सा ज़रूर होता है, लेकिन सारा इंटरव्यू जो है वो इस पे नहीं होता कि आपके पास नॉलेज जो है वो कितनी है। इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एकेडमिक बैकग्राउंड के अलावा आपकी जो नॉलेज लेवल है, जो आपके कंडक्ट के स्किल्स हैं या जो आपके कम्युनिकेशन के स्किल्स हैं, तो उसको भी देखा जाता है। यानी इंटरव्यू में आने के लिए कमरे से दाखिल होने से आप कमरे से वापस जाने तक का पूरा जो अमल होता है वो यानी इंटरव्यू का हिस्सा होता है। आपकी ड्रेसिंग यानी आपने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, आपके बातचीत करने का तरीका, इवन के जो आप वॉक करके आते हैं वो भी ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है इंटरव्यू का। अब देखते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स होते हैं इंटरव्यू के, तो ये आपने याद रखना है कि आप जो भी इंटरव्यू देने जाते हैं, जिस चीज के लिए आप इंटरव्यू देने जाते हैं,
उस चीज के बारे में आपको कम से कम एक रीजनेबल नॉलेज होनी जरूरी है। सो जिस तरह यहाँ पे मुख्तलिफ इंटरव्यूज नीचे हैं, तो फिर मैं आपको वहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। पहले हम देख लेते हैं कॉमन टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज। टेलीफोन इंटरव्यू, ये नॉर्मल से इंटरव्यू होते हैं और बड़े रेयर होते हैं, कभी कभार होते हैं, आमतौर पे जॉब से हट के भी टेलीफोनिक इंटरव्यू होते हैं। और इसी तरह से स्काइप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटरव्यूज होते हैं, ये स्पेशल सिचुएशन में होते हैं जब आप किसी जगह पे पहुंच नहीं सकते, या स्पेशली आप फॉरेन कंट्रीज में एडमिशन जब आप ले रहे होते हैं तो समटाइम्स होता है कि आप पाकिस्तान से किसी दूसरे मुल्क में अभी जा नहीं सकते, आपको वीज़ा नहीं मिला हुआ, तो लिहाजा आपका जो इंटरव्यू होता है वो स्काइप पे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए किया जाता है। ये जिस तरह करंट सिचुएशन है कोरोना की या कोविड सिचुएशन है, तो इस वजह से भी जो है ट्रेवलिंग इम्पॉसिबल होती है, तो फिर किस सूरत में स्काइप या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटरव्यूज़ किए जाते हैं, या यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला के लिए भी इस तरह के इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं। फेस टू फेस इंटरव्यू, ये सबसे कॉमन टाइप है इंटरव्यू की, और आमतौर पर जो जॉब्स होती हैं उनमें फेस टू फेस इंटरव्यू लाजमी हिस्सा समझा जाता है। तो फेस टू फेस में वन ऑन वन इंटरव्यू होता है, यानी एक आप होते हैं और एक आपसे इंटरव्यू लेने वाला होता है, आमतौर पर दो लोग होते हैं। इसके अलावा पैनल इंटरव्यू होता है, तो पैनल इंटरव्यू में एक खास पैनल होता है एक्सपर्ट्स का, यानी वो बैठ रहे होते हैं और वो आपसे इंटरव्यू लेते हैं, खुसूसन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं तो उसमें पैनल इंटरव्यूज होते हैं, या आर्म फोर्सेस में जो कमीशन अफसर बन रहे होते हैं फोर्सेस में, तो उनसे भी जो इंटरव्यू लिया जाता है तो वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक पैनल इंटरव्यू होता है। इसके अलावा जब एक आप पर्टिकुलर फील्ड में या प्रोफेशनल जॉब आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो जब प्रोमोशन होती है तो प्रोमोशन से पहले कुछ इंटरव्यूज किए जाते हैं, तो उनमें भी पैनल या ग्रुप इंटरव्यूज होते हैं। ग्रुप इंटरव्यूज और पैनल इंटरव्यूज तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। ग्रुप इंटरव्यूज जो हैं वो आमतौर पे जो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं या बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं उनके लिए ये आमतौर पे ग्रुप इंटरव्यूज होते हैं, कि उसमें डिफरेंट ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स आके बैठते हैं और वो आपसे बारी बारी सवाल पूछते हैं, तो ये पैनल इंटरव्यू के जैसा ही है। इसके बाद फिर सिक्वेंशियल इंटरव्यू होता है, यानी आपसे सिक्वेंस वाइज क्वेश्चनिंग की जाती है, और ये भी इन अ वे एक किस्म का जो पैनल या कह लेंगे ग्रुप इंटरव्यू होता है, लेकिन उसमें हर इंटरव्यू में जो आपसे जो मेंबर्स होते हैं वो सीक्वेंस वाइज आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं। वो एक किस्म की प्री प्लानिंग होती है कि मल्टीपल चीज़ें पूछने में, एक मिसाल के तौर पे आपसे इंट्रो पूछेगा, दूसरा आपसे कोई अगर सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चनिंग कर रहा है तो तीसरा जनरल क्वेश्चनिंग करेगा, इस तरह से इसे सीक्वेंशियल इंटरव्यू कहा जाता है। फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यूज होते हैं, ये खुसूसन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो हैं कि लिमिटेड सॉर्ट ऑफ जो है वो यानी जॉब्स होती हैं और जो कैंडिडेट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए उनमें एक किस्म की कंपटीशन होती है, तो जो ज़्यादा नंबर ले पाता है ऑब्वियसली उसे ही सिलेक्ट किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इसके अलावा फॉर्मल इंटरव्यूज, तो जॉब रिलेटेड जितने भी इंटरव्यूज होते हैं वो फॉर्मल होते हैं, इसके अलावा इनफॉर्मल इंटरव्यूज भी होते हैं, मल्टीपल चीज़ों के लिए होते हैं, जिन्हें हम लंच इंटरव्यू कहते हैं या डिनर इंटरव्यू कहते हैं मिसाल के तौर पर, तो ये इनफॉर्मल टाइप के इंटरव्यूज होते हैं, या जिस तरह से आप अमूमन देखते हैं कि मीडिया में जो कुछ लोग होते हैं उनसे जो जर्नलिस्ट होते हैं या जो एंकर पर्सन होते हैं जो वो इंटरव्यूज कर रहे होते हैं, तो वो भी एक किस्म के इनफॉर्मल इंटरव्यूज कहलाते हैं। इसी तरह से कॉलेज यूनिवर्सिटी एडमिशन इंटरव्यूज, तो दाखिले के लिए ये इंटरव्यूज लिए जाते हैं और ये भी एक किस्म के यानी नॉर्मल होते हैं, इतने ज़्यादा टफ इंटरव्यूज नहीं होते क्योंकि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यूज आमतौर पर नहीं होते। फिर सिविल सर्विसेज या कंप्यूटर एग्जाम्स, ये इंटरव्यूज बड़े टफ एंड चैलेंजिंग होते हैं एज कम्पेयर टू अदर इंटरव्यूज, क्योंकि इसमें आप कम्पीट कर रहे होते हैं, तो इसीलिए आप ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड होते हैं और मल्टीपल एंगल्स में आप जो है वो प्रिपरेशन करते हैं अपनी। इसी तरह से आर्म फोर्सेज के इंटरव्यूज भी बड़े सेंसिटिव होते हैं और उसमें भी आप जो है वो एक अच्छी खासी मेहनत करते हैं या तैयारी करते हैं। तो इसके अलावा प्रोमोशन हायर रैंक इंटरव्यूज, ये आपको ऑलरेडी वर्क एनवायरनमेंट का पता होता है, जिस पोस्ट पे आप प्रमोट हो रहे हैं उसके बारे में आपको नो हाउ होता है, तो एक किस्म का फॉर्मल इंटरव्यू होता है कि जिसमें आपको चेक किया जाता है नॉर्मल बेसिस पे कि वेदर यू आर सूटेबल और फिट इनफ के नहीं। और इसी तरह से फिर गवर्नमेंट जनरल जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं या प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स होती हैं या जो NGOs की जॉब्स होती हैं या इंटरनेशनल NGOs की जॉब्स होती हैं उनके इंटरव्यू होते हैं, तो वो भी फॉर्मल इंटरव्यूज होते हैं और इसीलिए आपको इन
ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में या इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में या आपको उस एनजीओस के बारे में या पब्लिक सेक्टर के बारे में जिस इदारे में आप जा रहे हैं उस इदारे का आपको नोहा होना लाजमी होता है। यानी आप पहले से उस इदारे के बारे में अच्छी खासी स्टडी कर लेते हैं कि उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं, उसकी क्या पॉलिसीज हैं, उसकी क्या जो है वो यानी वर्किंग लिमिटेशंस हैं, तो वो आप सब पढ़ के जाते हैं, वो उसी से ही रिलेट करके आपसे क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं। तो इसीलिए जब ये नॉर्मल इंटरव्यूज होते हैं, इंस्टीट्यूशनल बेस्ड इंटरव्यूज होते हैं, तो उसमें आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आपको उस इदारे के बारे में एक अच्छी खासी नॉलेज होनी लाजमी होती है। इसके अलावा फिर इंटरव्यू की जो है वो स्टेजेस होती हैं, यानी इंटरव्यू के दौरान आप एक चार एक किस्म के फेजेस होते हैं, इन फेजेस से आप गुजरते हैं। ये फॉर्मल इंटरव्यूज का हिस्सा होते हैं और बड़े ही अहम होते हैं। यानी ये वो फेज है कि जहाँ पे आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करके जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो इंटरव्यू है वो बेसिकली चार सेगमेंट्स में या चार स्टेजेस में या चार फेजेस में जो है वो डिवाइडेड होगा। सबसे पहले आपका इंट्रो होगा, यानी इंट्रोडक्शन में, तो इंट्रोडक्शन में आपसे पूछा जाएगा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, मिसाल के तौर पर कि आप अपना तारुफ कराएं, तो उसके लिए आप ऑलरेडी जो है वो तैयारी कर लेते हैं कि आपने इंट्रोडक्शन में अपना पूरा नाम बताना है, क्वालिफिकेशन बतानी है, वर्क एक्सपीरियंस बताना है या फील्ड ऑफ इंटरेस्ट बताना है या आपकी जो एक्सपर्टीज है वो बतानी है। इंट्रो प्रिसाइज हो लेकिन टू द पॉइंट हो, मुख्तसरन हो, लेकिन आपने अपनी सारी जो आपकी जो यानी जो पॉजिटिव या जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं वो आपने बता देनी है, इंक्लूडिंग आपकी जो क्वालिफिकेशन है और आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, बिलोंग कहाँ से करते हैं, तो ये आपने इंट्रो में बता देना होता है। इसीलिए इंट्रो के लिए आप एक छोटा पैराग्राफ डेवलप कर लिया करें और उसे आप चेक कर लिया करेंगे, मैं ये इंट्रो में बोलूंगा तो ये ठीक रहेगा, कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है, कोई चीज़ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन वो शॉर्ट लाजमी होना चाहिए, लेंथी इंट्रो ना हो। इसके अलावा उसका फिर मिडिल पार्ट आता है, बॉडी पार्ट जिसे कहते हैं, अहम तरीन हिस्सा, क्वेश्चन बाय द इंटरव्यूअर, तो वो आपसे सवाल पूछते हैं और ये एक लंबा चौड़ा हिस्सा होता है। इसमें आपसे मल्टीपल किस्म के जो हैं वो सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप किसी यानी मिसाल के तौर पे कोई गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड आपने कोई इंटरव्यू देना है, तो जाहिर सी बात है जिस फील्ड के लिए आपने अप्लाई किया है या जिस इदारे के लिए आपने अप्लाई किया है, जैसे आप हेल्थ में जा रहे हैं, पुलिस में जा रहे हैं, टीचिंग में जा रहे हैं या किसी और सरकारी महकमे में आप जा रहे हैं, तो उस महकमे के बारे में आपको जो है वो अच्छी खासी नोहा होनी चाहिए। इसी तरह से साल के तौर पे पाकिस्तान स्टडीज से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जनरल इस्लामिया से सवाल पूछते हैं, करंट अफेयर्स से पूछते हैं, एक आध सवाल एवरीडे साइंस से भी वो पूछते हैं, और इसी तरह से पाकिस्तान अफेयर्स से पूछ रहे होते हैं। तो ये एक किस्म का यानी जो है वो लंबा फेज होता है, जिसे हम कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट सेगमेंट या जिसे हम कहते हैं कि बॉडी पार्ट ऑफ द इंटरव्यू, जिसमें आपसे ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं जो कि आपके एक्सपीरियंस से, आपके स्किल से, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन से रिलेट करते हैं। इसके अलावा एक और जो है कि आपने यानी एक चीज का बिल्कुल भी ध्यान रखना होता है कि जब आप सेकंड फेज में से हो कि आप थर्ड फेज में आते हैं, तो फिर वहां पे आपका जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो पूछा जाता है कि आपका अगर कुछ यानी प्रीवियस एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, यानी पहले आप कहीं पे काम कर चुके हैं, तो वो फिर सेगमेंट आ जाता है, उसके रिगार्डिंग आपसे पूछा जाता है। तो एक चीज़ का ध्यान लाजमी रखना होता है कि जिस भी इदारे में आप अगर पहले काम कर चुके हैं, तो आपने उसकी बुराई बिल्कुल भी नहीं करनी। ये नहीं है कि आप जो उन पर बिला वजह क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें, क्योंकि ये आपकी जो पर्सनैलिटी है उसे रिफ्लेक्ट करता है, तो इसलिए परहेज करें, आप अवॉइड करें कोई भी इस तरह की जो है वो कन्फ्रंटल टाइप जो है स्टेटमेंट ना दें कि जिससे आपको जो है वो यानी इस तरह से जो है वो लिया जाए कि भाई आप एक पहले से ही जो है वो एक कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी के मालिक हैं। सो बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो भी है तो आपने उस चीज़ को फॉर्मली बता देना है, लेकिन क्रिटिसाइज नहीं करना बिल्कुल भी आपने। उसके बाद फिर कंक्लूजन है, एंडिंग ऑफ एन इंटरव्यू है, तो आप कंक्लूड करें स्माइलिंग फेस में, हैप्पी हों, नॉर्मल हों, और आप एक जो है वो लास्ट में फिक्रा होता है जिस तरह से थैंक यू सो मच और थैंक यू फॉर योर टाइम, ठीक है ना, या आप इस तरह के जो मुनासिब समझते हैं सेंटेंसेस वो आप पहले लिख लें और फिर आप इस तरह से एंडिंग कर लें और हैप्पी फेस के साथ या स्माइलिंग फेस के साथ आप उन्हें सी ऑफ कह लें और आप इंटरव्यू रूम से चले आए। तो
तो ये स्टेजेस हैं और इन स्टेजेस के रिगार्डिंगली आपने प्रिपरेशंस करनी होती हैं, तो इनको आप ज़रूर अपने जहन में रखें। इसके बाद फिर टिप्स हैं, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो है वो किस तरह से तैयारी करनी होती है इंटरव्यू की, तो ये वो जो है सारी चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये कि स्टार्ट बाय रिसर्चिंग द कंपनी एंड योर इंटरव्यूअर्स, ठीक है, यानी कंपनी से मुराद है या ऑर्गेनाइजेशन है कोई जो भी है, तो आप उनके बारे में जो है वो रिसर्च कर लिया करें कि आप किस तरह में जा रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया दिया उसकी पॉलिसीज, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, या आप इंटरव्यूअर्स कौन से लोग हैं जो आपसे इंटरव्यू लेंगे, किस पर्टिकुलर फील्ड में वो काम करते हैं। अमूमन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि भाई एक साइकेट्रिस्ट बैठेगा, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बैठेगा, मिसाल के तौर पे एक ये बंदा बैठा हुआ है, ये चेयरमैन है, ये मेंबर है, तो इसकी ये क्वालिफिकेशन है, ये इसकी पर्टिकुलर जो है वो एक्सपर्टीज है, तो जो जिसकी एक्सपर्टीज होती है ऑब्वियसली वो उसी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंगली आपसे क्वेश्चंस पूछता है। तो आप अगर पहले से वेल प्लान होते हैं, प्रिपेयर्ड होते हैं, तो आपको परेशानी नहीं होती। इसी तरह से आप अपने आंसर्स जो हैं उनकी प्रैक्टिस कर लिया करें, जो कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, मिसाल के तौर पर इंट्रो है, ये आपसे पूछेंगे कि भाई आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, या ये आप क्यों ये जॉब करना चाहते हैं, जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस ऑलरेडी कर लिया करें। इसके अलावा एक पर्टिकुलर मेथड होता है जिसे स्टार मेथड कहा जाता है, तो आप जब आंसर देते हैं तो वो स्टार मेथड यूज़ किया जाता है, जिसमें सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट, इस चीज़ की जो है वो आपने यानी एक प्रिपरेशन करनी है कि जब भी आप कोई लेंथी क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हैं, तो यानी आप सिचुएशन को कंसिडर करेंगे और फिर टास्क को और फिर एक्शन को और साथ में रिजल्ट को कि उसके क्या नतज होंगे। तो ये एक मेथड होता है, ये हर इंटरव्यू में तो यूज़फुल नहीं होता, खसूसा ये NGOs टाइप के या प्राइवेट सेक्टर में या मल्टीनेशनल कंपनीज में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर स्टाइल की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से आप एक अपना दोस्त जो है कोई भी है, तो आप उसके साथ प्रैक्टिस कर लिया करें, उसको कहें कि वो आपसे एक किस्म का इंटरव्यू ले, आपसे सवाल पूछे, आप उसे जवाब दें, बार बार ये रिपीट करें, तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। और साथ में एक रेफरेंस लिस्ट भी जो है, यानी आप अगर कहीं पे कोई डेटा वगैरह की बात होती है या कोई इस तरह की बात है कि जहाँ पे आपने कोई चीज़ साबित करनी है, दलील देने हैं, तो आप रेफरेंसेस या रिव्यू या एक किस्म का कंपैरिजन या एनालिसिस जो है वो भी आप बना लें। डिपेंड करता है अगेन कि आप इंटरव्यू किस टाइप का दे रहे हैं, और ये भी आमतौर पर मल्टीनेशनल कंपनीज में या NGOs में या प्राइवेट सेक्टर में ये रेफरेंसेस दिए जाते हैं। और इसी तरह से आप जब कोई एग्जांपल्स दे रहे हैं तो आप उन्हें रिलेट करें अपने काम के साथ, तो ज़्यादा बेहतर होता है, यानी आप रिफ्लेक्ट करें कि आप काम करते हैं, आपको इस चीज़ के बारे में पता है, आपको एक्सपीरियंस है, तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसी तरह से स्मार्ट क्वेश्चंस होते हैं जो आपने भी यानी इंटरव्यू के दौरान आप पूछ सकते हैं इंटरव्यूअर से जो भी हैं, मिसाल के तौर पर आप उनसे पूछते हैं कि जी वर्किंग कंडीशन क्या होगी, क्या एनवायरनमेंट होगा, या मेरी लिमिटेशंस क्या हैं, या मेरी अथॉरिटीज़ क्या होंगी, या मेरे पावर्स कौन से होंगे, या इवन समटाइम्स आप पूछते हैं कि सैलरी कितनी होगी नेगोशिएट के टाइम पे, तो वो स्मार्ट क्वेश्चंस हों, पोलाइट वे में और प्रिसाइज इन शॉर्ट में। इसी तरह से आप जो है वो इंटरव्यू से कम एक रात पहले जो है वो सारी चीज़ें प्लान कर लें, रेडी कर लें, प्रिपरेशन कर लें। और जब आप किसी मल्टीपल कंपनी में या NGO में या प्राइवेट सेक्टर के इंटरव्यू के लिए आते हैं, तो आप अपनी एक CV या आप एक जो है वो करिकुलम विटा या रिज्यूम बना लें, ठीक है, और आप अपने साथ नोटबुक और पेन भी जो है वो इंटरव्यू में ले जाएं, वो आप अपने कोट में भी रख सकते हैं, तो आप फिर अपनी CV या रिज्यूम जो है वो अगर पैनल इंटरव्यू है तो 4-5 लोग हैं उनको आप दे दें, ताकि वो वहाँ पर देख लें, और लाजमी तौर पर वो आपके CV से ही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो उन्हें आपको आंसर करने में आसानी होती है। ये आपने ध्यान में रखना है कि जब आप इंटर होते हैं तो फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो है वो तासुर आपके यानी फर्स्ट इम्प्रेशन से ही आता है, आपकी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन होता है, तो इस चीज़ का आपने यानी कॉन्फिडेंस में हो, हंसते मुस्कुराते दाखिल हों, और आप ग्रीट करें, सलाम करें, हैंड शेक करें, और बैठने से पहले आप इजाज़त लें, तो इसे कहा जाता है कि ये एक यानी ग्रेट फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। और जब भी आपसे कोई सवाल पूछते हैं तो आप सबको ध्यान से सुने और उनको मुखातिब होकर जवाब दें, और रेस्पेक्ट उनकी लाजमी करें, और अच्छे मैनर्स जो है वो डेवलप करें, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, आप उनसे आई कांटेक्ट रखें, आराम से सुकून से बैठें, पैनिक ना हो,
कॉमन सेंस यूज करें। अगर आपको सवाल का जवाब नहीं भी आता तो आप स्ट्रेट अवे सॉरी कह लें, आप जो है वो गलत इंटरप्रिटेशन ना करें, आप पॉजिटिव एटीट्यूड शो करें और जो भी आप बात करते हैं वो दयानतदारी पे हो, सच्चाई पे हो। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कोई इल्म नहीं है तो स्ट्रेट अवे नो कर लें, बजाय कि आप उसकी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर लें, तो इस चीज़ से आप अवॉइड करें। ठीक है, आपकी जो अगर स्किल्स हैं, जो आपकी अकम्पलिशमेंट्स हैं, जो आपकी कामयाबियाँ हैं, जो आपकी महारतें हैं, वो आप अपने जवाब के साथ ज़रूर शामिल करें, क्योंकि उससे आपको जो है वो बेनिफिट मिल जाता है या एज मिल जाती है, या आप अपना जो है वो रिफ्लेक्शन उन्हें दे रहे होते हैं इनडायरेक्टली, और वो फिर इजीली जो है वो डिसाइड कर लेते हैं, तो ये चीज़ें आपके बेनिफिट में आ जाती हैं। याद रखें कि आपने जब भी आंसर्स देने हैं तो प्रिसाइज फॉर्म में हो, लेंथी और लॉन्ग आंसर्स आपने बिल्कुल भी नहीं देने, शॉर्ट आंसर दें, टू द पॉइंट आंसर दें, और ज़्यादा लंबी चौड़ी जो है वो उसकी इलस्ट्रेशन या उसकी डिटेल्स में आपको जाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ टू द पॉइंट एंड स्पेसिफिक। और नेगेटिव किस्म के जो हैं वो आपने रिमार्क्स बिल्कुल भी नहीं देने। अगर आप पहले से आपको किसी जॉब एक्सपीरियंस का जो है यानी वो अगर पूछते हैं, या आपको किसी इदारे के बारे में पूछते हैं जहाँ पहले आप काम कर चुके हैं, तो उसके बारे में आप नेगेटिव रिमार्क्स बिल्कुल भी ना दें, ये आपको बड़ा नुकसान देते हैं। इसी तरह से फॉर्मल और अप्रोप्रिएट लैंग्वेज इस्तेमाल करें, इनफॉर्मल या वल्गर या स्लगिश जो है या स्लैंडर टाइप की जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल भी यूज़ ना करें। फॉर्मल ऑफिशियल एंड पोलाइट वे में आप बात करें, अच्छे अल्फाज का जो है वो इंतखाब करें, तो आपको ज़्यादा जो है वो फ़ायदा मिलता है। और जब आपसे सवाल पूछे जाएं तो आप वो सवाल बड़े ध्यान से सुने, जो भी आपसे जो इंटरव्यू वाला सवाल पूछता है तो उसको आप गौर से सुने, कोशिश करें कि ये ना हो कि आपको सुनाई ना दे और आप उसे कहें कि सर मैंने सुनाई नहीं, तो काइंडली दोबारा मुझे बता दें, अवॉइड इट। एक दफ़ा ही उसको सुन लें, ध्यान से सुने, रिपीटेशन से जो है वो आप अवॉइड करें, और अच्छी तरह से सुन के समझ के फिर आराम से आप जो है वो जवाब दें, बीच में बिल्कुल भी ना बोलें, बात उन्हें मुकम्मल करने दें, चाहे आप उसे लाइक करते हैं या नहीं करते लेकिन पूरी बात सुन लें। ठीक है, तो यानी आप पेशेंटली लिसन करें और उसके बाद फिर आप जो है वो रिस्पॉन्ड करें, अगर आपको जवाब आता है तो, अगर नहीं आता तो स्ट्रेट अवे से सॉरी आर्ग्यूमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ जो है वो टिप्स हैं जो बड़े काम के हैं। तो आई होप कि आपको ये सेशन जो है वो बड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको काफ़ी आसानी होगी इंटरव्यू प्रिपरेशन के रिगार्डिंगली। तो यहाँ पे ये हमारा सेशन जो है वो ख़त्म होता है, तो अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। बस जाते जाते एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप जो है वो कमेंट्स भी करें, इसे लाइक भी करें, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस भी करें, ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे, और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बेनिफिट लें। तो यहाँ पे हमारा सेशन अब मुकम्मल होता है, तो अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।